चटपटी और मसालेदार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाइए और हर एक न्यूज सबसे पहले पाइए। बॉलीवुड के दबंग सलमान खान और कटरीना कैफ स्टारर टाइगर जिंदा है ने रिलीज होते ही बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाना चालू कर दिया है। जी हां, फिल्म के फर्स्ट डे कलेक्शन की बात करें तो फिल्म ने शुक्रवार को करीब 36 करोड़ का कलेक्शन कर एक नया रिकॉर्ड बनाया, तो वहीं शनिवार की फिल्म ने 38 करोड़ का कलेक्शन कर चुका है। अगर हम संडे की बात करें तो फिल्म का उम्मीद जताई जा रही है कि फिल्म 45 करोड़ का बिजनेस कर सकती है, यानी वीकेंड पर फिल्म 100 करोड़ का कलेक्शन पार कर सकती है। क्योंकि सलमान खान की फिल्में जब भी बॉक्स ऑफिस पर रिलीज होती है फिल्म एक नया रिकॉर्ड बनाती है, क्योंकि सलमान खान का जलवा हमेशा बॉक्स ऑफिस पर चलता है। आपको बता दें कि टाइगर जिंदा है सलमान और कटरीना की एक था टाइगर का सीक्वल है। इस फिल्म को डायरेक्ट किया है अली आवाज जफर ने। आपको बताते चले कि कटरीना कैफ और सलमान खान पर फिल्माया हुआ गाना स्वैग से करेंगे सबका स्वागत दर्शकों की जुबान पर चढ़ा है। सिनेमाघरों से निकलते हैं दर्शकों की जुबान पर स्वैग से स्वागत करेंगे गाने की चर्चा जोर शोर से होती है। आपको बता दें कि फिल्म में कटरीना और सलमान खान का बेहद एक्शन अवतार दर्शकों को काफी रोमांचित करता है। उम्मीद जताई जा रही है कि फिल्म वीकेंड पर 100 करोड़ के क्लब में एंट्री कर एक नया रिकॉर्ड बना सकती है।